मजा आ गया। चित्रों ने सन्या में देखा ही नहीं। एक बात बता पंकज, ये मच्छर मुझे क्यों काटते, तुझे क्यों नहीं? सर आपका खून मीठा है ना सर, तेरा खून खट्टा है। हाँ सर, मैं नींबू बहुत खाता हूँ। पंकज, मच्छर नींबू भी खाता है? क्या बात कर रहे हैं सर, तेरे गाल पे बैठा है। क्या बात कर रहे हो सर, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। सर ये मच्छर को ना सर आप जान से मत मारना, इसे घायल कर देना सर। मतलब? मतलब मुझे थोड़ा आराम से मारना सर। आराम से ही मारता हूँ। एक और थप्पड़, ये थप्पड़ मारने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कोई तो है इधर। हेलो अभिजीत सर, मुर्गा गाड़ी में बैठ के निकल गया। हाँ सर, मुर्गा, सॉरी सर, चुतुरले साहब। सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, मैं और पंकज उनके पीछे जा रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मिली इज डेड। बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो, और उसे किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मैडम अक्सर प्यारे लोग ही मुजरिमों का शिकार बन जाते हैं। हमें मिली का कमरा चेक करना है। जी, ये रहा इसका कमरा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? मैडम हो सकता है हमें ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे खूनी हमारे हाथ लग जाए। या फिर इसके किसी रेस्टोरेंट में गई थी क्या? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। सर इंजेक्शंस। सर, पानी के। सर मिली ने यह डब्बा बाथरूम में काफी संभाल के रखा था, उसमें ये देखिए जहरीले इंजेक्शंस। इतने सारे इंजेक्शंस? इंजेक्शन कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है सचिन। इंजेक्शंस को देख के लगता है कि ऐसे जहरीले इंजेक्शंस बनाए जा चुके हैं कहीं ज्यादा। अगर सीआईडी वालों का इल्जाम सही है तो हमें ये रिसोर्ट अभी छोड़ के चले जाना चाहिए। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे रिसोर्ट का नाम खराब करने? मैं आप लोगों पे डिफेमेशन का केस करूं। अच्छा, शौक से कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए मैडम, आपकी ये धमकियां हमें हमारी ड्यूटी करने से रोक नहीं सकती। मगर सर मिली और छिलका के खून में हम लोग का क्या हाथ है? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि खून आप लोगों ने किया है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि खूनी तक पहुंचने के लिए हमें सबूत आपके रिसोर्ट से मिल सकता है। ऐसे कैसे मिल सकता है? मिली और छिलका तो हमारे रिसोर्ट कभी आए तक नहीं। हाँ लेकिन वो गोगल वाली लड़की तो आपके रिसोर्ट में आई थी ना, उसी तक पहुँचना है हमें। ठीक है, अगर आपको तलाशी लेनी है शौक से लीजिए, मगर यहाँ आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। मगर दीवान ऐसे किसी ने तलाशी लेने दे सकते हैं?
इट्स ऑल राइट मैन, जब इन्हें यहाँ कुछ मिलेगा ही तो देखना कैसे हताश होके जाते हैं यहाँ से। देखिए, हम अपनी तलाशी की शुरुआत आपके रिसोर्ट के किचन से करना चाहेंगे। किचन ये ठीक है, आप लोग प्लीज यही रुकिए, अब जरा किचन की तलाशी लेते हैं। डीएनए और लाशों के डीएनए को मैच करा के देखते हैं, पता चल जाएगा कि ये खून है किसका। आपके किचन के फ्रिज और मैदे के कंटेनर से हमें खून मिला है, अब क्या कहना है आप लोगों का? खून? आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे क्या लाशें रखी हुई थी? अन्वेषा जी, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके किचन में मिले खून की छींटे बता रही हैं। ये कैसे हो सकता है सर, यहाँ पे लाश थी, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? वो इसलिए क्योंकि आप लोग ड्यूटी आंख और कान बंद करिए करते हैं, इसलिए। यहाँ पे निखिल, खूनी इन चारों में से ही कोई एक है। अच्छा ये बताइए कि ये आपका किचन सुबह कितने बजे खुलता है? 6 बजे। और ये किचन बंद कितने बजे होता है? रात 11 बजे। अच्छा, रात में आपके किचन पे ताला लगा होता है? नहीं सर। इसका मतलब रात में किचन में कोई भी आ जा सकता है, राइट? जी हाँ सर। इसी का तो फायदा उठाया है खूनी ने। खैर, आप ये बताइए कि पिछले 2-3 दिनों से आप लोग यही वाला डीप फ्रीजर इस्तेमाल कर रहे थे जो अंदर रखा है? नहीं सर, वो डीप फ्रीजर जाम हो गया और हमें दूसरा फ्रीजर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन किसने? क्या हुआ, आप घबरा क्यों रहे? आपको कुछ पता है तो बताइए, नाम क्या था उसका? दीवान सर ने। तो आप हैं? हाँ सर, कहा था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि छिलका का खून करके मैंने सुबह 5 बजे फ्रीजर में डाल दिया। कमाल है, हमने अभी तक कहा कि आपने छिलका की बॉडी डीप फ्रीजर में छिपाई है। अभी अभी तो आपने ही कहा था रिजॉर्ट के बाहर। बिल्कुल नहीं, छोड़ की दाढ़ी में तिनका। जल्दी में लग रहे हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितना भी पता है, जो भी पता है, सब साफ साफ बता दो, वरना। सर, मुझे मार्को ने बोला था कि छिलका का खून करके तब तक अपने पास रखो जब तक उसे कोई लेने नहीं आता। पर मार्को क्यों जाएगा चिल्लर की जान लेना? सर ये तो नहीं पता, लेकिन छिलका ने डीसीपी चित्रोले से हाथ मिला लिया था, जो मार्को के खिलाफ एक खतरनाक मिशन में शामिल। कैसा मिशन ये तो नहीं पता,
पर मार्को को कहीं बाहर से मदद मिल रही थी जो किसी भी चित्रोले दे रहे थे और मदद के नाम पे वो मार्को को धोखा दे रहे थे सर। तुम अभी भी आधा सच बता रहे हो दिवाक, क्योंकि मार्को खुद गुनेगार नहीं हो सकता, कोई तो बड़ी ताकत का हाथ है उसके पीछे। अब बता दो कौन है गुनेगार? सर मैं वाकई कुछ भी नहीं जानता, पर एक बात तो तय है सर कि कोई भी मुजरिम ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां सीआईडी से उसकी मुठभेड़ हो सके। सर वो किसी और को भेजेगा। कोई बात नहीं, छुपे रुस्तम को कैसे जाल में फंसाना है ये सीआईडी अच्छी तरह से जानती है। असली छुपे रुस्तम तो तुम निकले दिवांग, मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं एक गुनेगार के साथ काम कर रही हूँ। रिया वो हैंड प्रिंट्स का क्या हुआ? तुम कैनवस पे लगाने वाली थी। हैंड प्रिंट्स रेडी हो रहे, प्रोसेसिंग ऑन है, 10 मिनट में सब कुछ रेडी हो जाएगा। ओह थैंक यू सो मच, यू नो डेडलाइंस आर नियर, सो जस्ट बी क्विक। हां या तमन्ना, माय कॉस्ट्यूम्स आर नॉट रेडी टू हियर, मेरी ज्वेलरी रेडी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टीज रेडी नहीं है, मैं मुझे पूरी रिहर्सल करनी है। कम ऑन दिस इज नॉट डन, आई एम जस्ट कमिंग। हां अरे कॉस्ट्यूम, इसके कॉस्ट्यूम रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? हरी अप प्लीज, देयर इज नो टाइम लेफ्ट। डॉक्टर तारिका। यस डॉक्टर तार, आई होप आप कोई अच्छी खबर ही सुनाने वाली है। उस पिस्ता वाली लड़की का पता चल गया। क्या हुआ वन्या, एनी इशू? तुम्हारा मेकअप करना है। मेरा मेकअप? आर यू क्रेजी, आई डोंट डू मेकअप। ये निशान छुपाना बाकी है। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी ऑफिसर्स? तो आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? मुजरिम को उसके बिल से निकालने के लिए। तमन्ना क्या चल रहा है ये सब, तुमने कौन सा जुर्म किया है? What's going on? ये झूठे मुझे दे दे ठाकुर, ये पांव मुझे दे दे ठाकुर। मेरे को लंगूर मत समझना। चित्रोले साहब के पास पिस्तौल भी है। ये मत समझना कि मैंने पैसे खा लिए तो मेरा दिमाग का ढक्कन बंद हो गया। तेरे जैसे सांप को तो मैं अपने जूते से कुचल सकता हूँ। ये जूते जो तू मांग रहा है, करता क्या इन जूतों का? करता क्या हूँ? कुछ नहीं। मैंने देखे थे वो लड़की के जूते वहां रखे हुए थे। बदबू भी आ रही थी। करोड़ों रुपए खाने के बाद भी तेरी जबान चल रही है चित्रोले? चल रही है। पैसे खाने के बाद भी मैं तुझे मार सकता था। दया और अभिजीत को बोल देता तो तुझे उठा के ले जाते यहां से। तारीफ हो रही है हमारी, ठीक करता है इसको एक गोली मार दूं। सबूत इकट्ठा कर लो, फिर देखते हैं। मैं डर गया चित्रोले, मैं डर गया। हाँ दया और अभिजीत ने मुझे अभी तक उठाया क्यों नहीं? हाँ मेरी बारात निकलने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें तो सब पता है मैं कहाँ मिलता हूँ, कब मिलता हूँ, फिर क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? हाँ
करूं? ऐसा का लालच मुझे खा गया। जब जब मुझे पैसे दिखते मेरे मुंह से लार टपकने लगती है। पैसे खाते खाते पैसे मुझे खा गए, पैसे खा गए मुझे। मगरमच्छ के आंसू देखा। चित्रोले साहब के अंदर एक रोता हुआ दिल भी है। वो लाया क्या? निकालो। वाह, थैंक यू वेरी मच। रही हो ये सब पैसों के लिए? कौन दे रहा था पैसे? मार्को, क्या प्लान है तुम लोगों का? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर सीआईडी पर हमला होगा, जहरीले डार्ट चलाए जाएंगे दया और अभिजीत पर। जहरीले डार्ट? वही जो मिली के घर पे थे? वो जहरीले डार्ट मिली नहीं तैयार किया है। मार्को बहुत चलाक है, तुम सीआईडी वाली चाहे जितना भी कुछ कर लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। सीआईडी का अंत निश्चित है। सीआईडी इतनी कमजोर नहीं जो तुम जैसे मुजरिम उसका खात्मा कर सके। देख लिया? हाँ, देख लिया और समझ भी लिया। ये वही जगह है, वही मॉल जहां पे 9 अगस्त को सारे सीआईडी ऑफिसर आने वाले हैं। जो करना है कर लो उनके साथ में। गोली मारनी है मार दो सबको। ओ रियली? मार दूं, सबको मार दूं। टाटा, हाँ मार दे। मेरा क्या जाता है? मारते? इसने हम लोगों को बेच दिया है, अब रहा नहीं जा रहा इस चित्रोले की तो। ए! अरे मार्कोस भाग, रेड हो गया। सर हाथ से निकल गए। कोई बात नहीं, ये देखा तुम लोगों ने? ये वही जगह है, मॉल वाली जगह है। सर चित्रोले साहब ने हमसे कहा था 9 अगस्त को इस मॉल में जाने के लिए। सीपी चित्रोले के ऑफिस से ये लेटर आया सर। देखिए क्या है इसमें। ऑर्डर्स भेजे हैं। कैसे ऑर्डर सर? पूरी सीआईडी टीम को 9 अगस्त को पीडीटी मॉल में होना है, क्योंकि वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट का खतरा है। और यहां मार्कोस को कह रहे कि हमें गोली मार दो? ऐसा कुछ पैदा नहीं हुआ जो हमें मार सके। पूरा मॉल, एक एक आदमी, सब पे नजर रखना होगा हमें। Thank you.
कपल के सामने खड़ा है, वो बार बार दया सर की तरफ देख रहा है और शायद उसके हाथ में कुछ है। एक मिनट, ये इस आदमी के हाथ पे ज़ूम करो। इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इस आदमी की फोटो हमारे रिकॉर्ड्स में है कि नहीं चेक कर सकते हैं। सर नहीं, सर कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक मिनट, ये जो कपल झगड़ा कर रहा है उसके बैग पे जूम करो। इस आदमी के हाथ में तो इंजेक्शन है, कोई जहरीला इंजेक्शन। और ये दया सर की तरफ बढ़ रहा है। और सर उसकी बीवी अभिजीत सर की तरफ। दया सर जरा संभाल के। एक आदमी बैक शॉर्ट ब्लू जींस में हाथ में जहरीला इंजेक्शन लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है सर। और अभिजीत सर, एक औरत पीली कुर्ती पहने उसके हाथ में बैग है और बैग के अंदर जहरीला इंजेक्शन, वो भी आपकी तरफ बढ़ रही है सर। अरे काम करते हैं, इनको यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी, भीड़ बहुत है। खिदमत है, वो कहते हैं ना दुनिया गोल है और सीआईडी आपके पीछे पड़ी हो तो बहुत बड़ा झोल है। अरे क्या बात है, हैं? इतना अच्छा शेर पढ़ा और वाह-वाह भी नहीं कहते। बहुत घटिया शेर, तुम्हारे जैसे घटिया लोग और मिलेंगे, उनको बैठ के सुनाते रहे जेल में। CID, CID, CRD Hey, you, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम लोग। मेरे मच्छरों जैसे लोगों से बच के तुम्हें क्या लगा कि तुम मार्को द ग्रेट को पिंजरे में बंद कर लोगे? पिंजरे में तो तुझे बंद करेंगे ही और साथ में तेरे बॉस को भी, जिसके इशारे पे तू ये करतब दिखा रहा है। इसका मतलब चित्रोले ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? गलत बात, मैं चित्रोले से कभी बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ा गद्दार है चित्रोले। Yeah!
वाली मार दी। अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो मुझे। अस्पताल? तेरी सवारी यहाँ से सीधे जेल जाएगी। जेल? कोई जेल नहीं जा रहा, बस 6 सीआईडी ऑफिसर्स की लाशें जाएंगी यहाँ से शमशान घाट तक। तुम लोग मेरे बॉस से मिलना चाहते थे ना, आ गई, मिल लो। हमेशा तुम क्यों? धक्का लगे मुझे यहाँ पर देखकर। मार्कोस तुझे 5 करोड़ इसलिए नहीं दिए थे कि तू इन सीआईडी वालों से गोली खा सके। मौत तो आज तुझे भी आएगी मार्कोस। तुम तो मुझसे भी ज्यादा पागल हो, मुझसे भी ज्यादा पागल। लेकिन क्यों, क्यों कर रही हो ये सब तुम? बदला, बदला लेना है मुझे तुम सबसे, मेरे मासूम भाई की मौत का। तुम्हारा भाई? कौन था तुम्हारा भाई? 4-4 लोगों की जाने लिए तुमने, 4-4 लोगों की जान। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। मासूम नहीं था तुम्हारा भाई, सीरियल किलर था। कितने बेगुनाह लोगों की जान ली थी उसने, समझे? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और झूठ बोलने की सजा है मौत। ना 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 ना, ये लोग ना सच बोल रहे हैं। सीआईडी वाले कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तुम और तुम्हारा भाई दोनों खूनी को खूनी, और खूनियों को सिर्फ एक ही सजा मिलती है, फांसी। ले जाओ इन्हें। आई सी सर। हाँ सर, हाँ यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ बिल्कुल सर। सर जैसे ही डीसीपी चित्रोले के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाता है, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे सर। ठीक है सर। सर आप अपना ये कॉन्फ्रेंस खत्म करके ही आइए। हाँ, इस केस में जो भी प्रोग्रेस होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके सर। क्या बात है श्री, तुम कुछ कहना चाहते हो? सर, सर प्लीज अभिजीत सर को रोक लीजिए, वरना हमारी पूरी सीआईडी टीम बिखर जाएगी। अभिजीत सर को क्या करने से रोकिए? मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ क्या है? आपको पता नहीं है सर? सर उन्होंने सीआईडी से ट्रांसफर लेने की एप्लीकेशन भेजी। ट्रांसफर? सर मैं जानती हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। सर प्लीज, अगर उन्हें जाने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। सर प्लीज देर मत कीजिए, प्लीज उन्हें रोक लीजिए सर, प्लीज। हाँ बोलिए। शॉपिंग के लिए ठीक है, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। शॉपिंग तो हो गई, आइसक्रीम खाते हैं। मेरा मूड नहीं है यार। पूरी मेरा भी ना गला थोड़ा सा खराब सा लग रहा है। एक काम करो ना, तुम खाओ ना, तुम्हारा मन है ना? हाँ थैंक्स। आइसक्रीम कोई अकेले खाता है क्या? तुम लोग भी ना। देखो श्रेया, मैं जानती हूँ तुम लोग क्यों परेशान हो,
दया सर को लेके और तुम अभिजीत सर के ट्रांसफर को लेके। मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 खाते। आज हम आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, और है ना, मुझे भी क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा गला थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। और मुझे बटरस्कॉच खाने का मन है। मैं चॉको चिप खाऊंगी। परफेक्ट, मेरा मूड नहीं है। आप इसका मूड नहीं है। मूड नहीं है, चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम खाएंगे। चल ड्रामा क्वीन्स है मेरा मूड, है ना। हाँ चलो चलो। शोर कैसा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। Excuse me. जी मैम। क्या हो रहा है, क्या बात है? उसमें मैम कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती से टेरेस पे ले गए। क्या? हाँ। तुम लोग सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? चलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर तुम्हारी बहन के साथ बाजार में कोई इस तरह से छेड़छाड़ करेगा तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? बेवजह नाराज हो रही है मैडम, सिर्फ नंबर ही तो मांगा था तुम्हारा। और नंबर नहीं दोगी ना तो पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा। के घर तो क्या, तुम लोग अब अपने घर जाने भी लायक नहीं रहोगे। क्यों मैडम, जेलस हो रही हो? उस लड़की का नंबर मांग रहे हैं, तुम्हारा नहीं है? हमारा नंबर तो देश के हर नागरिक के पास है, CID का नंबर। क्यों, देश में CID में लड़कों की कमी हो गई है जो लड़कियों को अपनी टीम में भर्ती करने लग गए? लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा कि लड़कियां कि आप क्या करें। चुपचाप खड़े थे आप सबकी खामोशी की वजह से हमारे देश के हर शहर हर गांव में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज लोगों की कायरता के वजह से दिन दहाड़े एक आम लड़की सड़क पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। सॉरी मैडम, आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो हम चुप नहीं रहेंगे और अत्याचार के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। अगर खुद में कुछ करने की हिम्मत ना भी हो तो कम से कम पुलिस या CID को इन्फॉर्म जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, अगर आप लोग आज यहाँ ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इट्स ओके,
आज ये आपके साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। औरों की मदद करना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। सुना कि तुम ट्रांसफर ले रहे हो? ठीक सुना है। क्यों? लो भाई, मिठाई खाओ। नहीं सर, वो एक्चुअली थोड़े मोटे हो जाते हैं मिठाई से। अरे यार छोड़ो यार, ले लो खा लो। चितुले साहब कभी मिठाई लाते हैं क्या? इससे पहले कि वापस ले जाए, खा लो खा लो। दया, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। लो लो भाई, काफी मिठाई। एक ही उठा, एक ही उठा सर। ये अरे ले 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 ले। पर सर आप इतने खुश क्यों हैं? अरे इतना बड़ा केस मैंने अकेले सॉल्व कर लिया, तो खुश नहीं होऊंगा तो क्या होगा? इतनी बड़ी इंसल्ट, ये मेरी मिठाई है, गैर नहीं है। सर काम हमारा, नाम आपका। मार्कोस को किसने पकड़ा है? हम लोगों ने पकड़ा है मार्कोस को। हमने पकड़ा है मार्कोस को, फंसाया किसने? माना कि आपने फंसाया, मगर बाकी के काम तो सर। बदनामी किसकी हुई? हाँ मेरी हुई ना, कुर्बानी किसने दी? आपने दी, लेकिन इसका ये मतलब? मिस्टर अभिजीत, उस सिंगम ने बोला चित्रोले को पकड़ो, तो लेट गए सब उसके पैरों में। कोई लेटे बेटे नहीं सर, वैसे बाजीराव सिंगम बहुत ही बहादुर और होनहार ऑफिसर है सर, और उन्होंने मुझे भी बुलाया है सर एक केस में। दया सर, तुम उस केस में मेरे साथ रहोगे, कल से मुझे ज्वाइन करो। सिंगम बहादुर और होनहार है, और हम क्या? कुछ नहीं। आप क्या हैं मैं बता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे अपनी ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ, वो मार्कोस ने मुझे फंसाने के लिए 5 करोड़ रुपया जो मेरे घर में रखा था, वो कहाँ है? पैसे? कौन से 5 करोड़ रुपए सर? वो जो 5 करोड़ रुपया तुम लोगों ने मेरे घर से उठाए है, वो कहाँ है? आपके घर से? सर हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा सर। सर वो 5 करोड़ कहाँ है? खा गए? सर हम तो आपके घर गए भी नहीं सर। आताप पाचेपन सटक ले आए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.